बारिश ने तोड़े शुभमन गिल के अरमान, घर में ही बाहर हुई गुजरात टाइटंस। गुजरात टाइटंस का सफर अपने ही घर में खत्म हो गया, लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स को जरूर इस बारिश से फायदा हो गया, क्योंकि एक पॉइंट मिलने के साथ ही उसका शीर्ष दो में रहना पक्का हो गया और इसका फायदा टीम को प्लेऑफ में मिलेगा। पिछले सीजन की रनर अप गुजरात टाइटंस का सफर आईपीएल 2024 में खत्म हो गया है। अहमदाबाद में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ उसका करो या मरो का मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया। इसके साथ ही गुजरात टाइटंस के प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें भी पूरी तरह खत्म हो गईं। गुजरात के लिए आखिरी चार में पहुंचने की संभावनाएं पहले ही बेहद कम थी, लेकिन अपने आखिरी दो मैचों में बड़ी जीत के साथ वो ऐसा करने की उम्मीद रख सकती थी, लेकिन अपने घर में ही उसकी उम्मीदों पर बारिश का पानी फिर गया। अहमदाबाद में होने वाला ये मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए अलग अलग वजहों से अहम था। गुजरात के लिए खुद को बचाए रखने का सवाल था, जबकि कोलकाता के लिए पॉइंट्स टेबल में पहले या दूसरे स्थान पर जगह पक्की करने के लिए जीत जरूरी थी। गुजरात की उम्मीदों पर पानी फिर गया, लेकिन कोलकाता ने जरूर अपना मकसद पूरा कर लिया। घर में ही शुभमन गिल की उम्मीदें धराशाही। इस मैच से पहले गुजरात के 12 मैचों से 10 पॉइंट्स थे, लेकिन उसका नेट रन रेट बेहद खराब था। ऐसे में उसे बचे हुए दोनों मैचों में बड़ी जीत की जरूरत थी। शुरुआत वो अपने होम ग्राउंड से ही कर सकती थी, लेकिन शाम को अचानक शुरू हुई बारिश ने मजा किरकिरा कर दिया। एक बार शुरू हुई बारिश फिर रुकी ही नहीं और आखिरकार रात के 10:35 पर एम्पायरों ने दोनों कप्तानों के साथ मिलकर मैच को रद्द करने का फैसला किया। इसके चलते दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिला, लेकिन इससे गुजरात के लिए प्लेऑफ के दरवाजे पूरी तरह बंद हो गए। टीम अब सिर्फ 13 पॉइंट तक ही पहुंच सकती है, जो प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए काफी नहीं थे। इस तरह कप्तान के रूप में शुभमन गिल का आईपीएल करियर निराशा के साथ खत्म हुआ। अब उनके पास अपने आखिरी मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ जीत दर्ज कर टूर्नामेंट का अंत दमदार अंदाज में खत्म करने का मौका होगा। कोलकाता को हुआ बड़ा फायदा, वहीं कोलकाता को इस बारिश ने फायदा पहुंचाया, क्योंकि एक पॉइंट हासिल करने के साथ ही अब पॉइंट टेबल में पहले या दूसरे स्थान पर उसकी जगह पक्की हो गई है। कोलकाता के 13 मैचों से 19 पॉइंट्स हो गए हैं और अब उससे आगे सिर्फ राजस्थान रॉयल्स ही निकल सकती है। इसके 16 पॉइंट्स हैं और 2 मैच बाकी हैं। इसका फायदा ये होगा, पहले क्वालिफायर में जीतने पर उसे सीधे फाइनल में जगह मिलेगी, जबकि हारने की स्थिति में उसे एक और मौका मिलेगा।